साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। देखिए किस तरह से हमलावर एक रेस्टोरेंट के अंदर बेखौफ होकर मैनेजर पर गोली दागते दिखाई दे रहे हैं। ये घटना रात करीब 8:45 बजे की है और इस वारदात को गुरुग्राम के सोहना रोड पर बने एक रेस्टोरेंट में अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त रेस्टोरेंट में फायरिंग की गई, उस वक्त वहां पर दर्जनों ग्राहक मौजूद थे, फिर भी हमलावर बिना किसी खौफ के वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। हालांकि हादसे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन हादसे में घायल मैनेजर की माने तो कुछ दिन पहले कुछ युवक शराब पीकर रेस्टोरेंट में आए थे, जिनसे रेस्टोरेंट कर्मचारियों की हाथापाई हुई थी। मैं रेस्टोरेंट में रिसेप्शन में खड़ा था, अचानक से दो लड़के बाहर से आए और आते ही फायरिंग कर दी उनने मेरे ऊपर। कहां आपको चोट लगी? मेरे पेट से गोली लगते हुए हाथ को चीर के बाहर निकल गई। क्या आपने देखा उन लोगों को कभी? क्या कुछ हुआ था, ऐसा कोई झगड़ा वगैरह? हाँ, पहले आए थे, इन्होंने धमकी वगैरह भी दी थी रेस्टोरेंट में। गनीमत रही कि मैनेजर को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे उसकी जान बच गई। अंदर अभी कोई गोली अंदर नहीं है एंड लकीली पेशेंट अभी वाइटल स्टेबल है और सेफ है। वहीं पुलिस ने 3 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया है और सीसीटीवी के जरिए हमलावरों का सुराग जुटाने में लगी है। लेकिन गुरुग्राम में बदमाशों के बुलंद होते हौसले ने पुलिस की साख पर सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। टीम न्यूज़ नेशन।